गेमिंग फोन इन एवरी प्राइस सेगमेंट। हेलो गाइस, मेरा नाम है केशव शर्मा, आप देख रहे हैं टेक्समाइट यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हर एक प्राइस रेंज में, यानी कि हम शुरुआत करेंगे 10,000 से और 50,000 तक हम जाएंगे, तो उस प्राइस रेंज में कौन कौन से बढ़िया फ़ोन हमें गेमिंग के देखने को मिल जाते हैं। तो इस लिस्ट के अंदर मैं जो फ़ोन को इंक्लूड करूँगा वो उनके प्रोसेसर के लिए करूँगा और उनकी रैम और चार्जिंग स्पीड और बैटरी वगैरह इन सब चीज़ों के लिए जो कि हमारी गेमिंग से रिलेटेड होती है, ना कि यहाँ पर मैं कैमरा और डिज़ाइन वगैरह यहाँ पे इंक्लूड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे गेमिंग का हमें कैमरा और डिज़ाइन वगैरह से इतना लेना कुछ है नहीं कि कैसा भी डिज़ाइन हम गेम खेल सकते हैं, कैमरा कैसे भी हम गेम खेल सकते हैं। बट इधर हम बेसिकली इंक्लूड करने वाले यहाँ पे प्रोसेसर को, कि किसका प्रोसेसर कितना अच्छा है और कौन से प्राइस रेंज में कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा गेमिंग के लिए। सो गाइज, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लेना। कर लेते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहली कैटेगरी स्टार्ट करेंगे, वो होगी अंडर 10K। अगर यहाँ पर आपका बजट कुछ 6-7,000 के आसपास है तो भाई आप यहाँ पे मेरी एक अलग वीडियो आप देख लेना, उसके अंदर मैंने आपको बेस्ट फ़ोन बताया, वहाँ पर मैंने आपको कोई गेमिंग फ़ोन नहीं बताया, बट लेकिन वो फ़ोन भी काफ़ी अच्छे बताएँ आपको। तो अगर आपको एक गेमिंग फ़ोन चाहिए तो आप मिनिमम भाई 10,000 तक का आपको अपना बजट रखना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छा गेमिंग फ़ोन मिलेगा। और 10,000 के प्राइस में मेरा गेमिंग फ़ोन से मतलब है एक ऐसा फ़ोन जिसका प्रोसेसर आपको अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी हमें ही पता है कि 10,000 में कोई गेमिंग फ़ोन नहीं आता है, बट लेकिन एक ऐसा फ़ोन जिसका प्रोसेसर वगैरह आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो चलते हैं अपने 10,000 की लिस्ट पे। यहाँ पर हमारा फ़ोन आता है Realme 3 Pro। तो इस फ़ोन के अंदर आपको 6.3 इंचज की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 4GB 64GB की रैम एंड रोम वेरियंट देखने को मिल जाएगी, बैटरी 4045 mAh की मिलेगी और वहीं आपको स्नैपड्रैगन का 710 का प्रोसेसर मिल जाएगा और वो चार्जिंग 3.0 की देखने को मिलेगी। और फोन का प्राइस मैंने आपको बताई दिया 10K होगा। तो इस फोन के अंदर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिल रहा है वो इस प्राइस रेंज में सबसे आपको सही प्रोसेसर देखने को मिलेगा 710 का अंडर 10K। तो ये फोन इसलिए इस कैटेगरी में आता है क्योंकि इसके अंदर आपको प्रोसेसर बेस्ट देखने को मिलेगा और बाकी फोन से अंदर। बाकी आप दूसरे फोन भी इसमें देख सकते हैं बट लेकिन उनका प्रोसेसर थोड़ा सा नीचे रह जाता है, तो मैंने इधर बेसिकली प्रोसेसर और रैम वगैरह को ही इंक्लूड करा है। चलते अपने लिस्ट के सेकेंड फोन पर। यह लिस्ट आती है हमारी अंडर 10K वाली। तो इस लिस्ट में हमारा जो फोन आता है वो है Redmi Note 8 Pro। तो इस फोन के अंदर आपको 6.5 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 664 रैम एंड रोम के वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा अंडर 15K में, 4500 mAh की बैटरी मिल जाएगी, HDR की आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इसके अंदर आपको G90T का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा एंड फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इस फोन के अंदर। तो ये फ़ोन काफ़ी न्यू फ़ोन है और काफ़ी सही फ़ोन है अगर आपको एक गेमिंग फ़ोन लेना है, यानी कि जिसका प्रोसेसर वगैरह अच्छा हो। बट यहाँ पर एक फ़ोन और आता है अंडर 15K में, तो वो फ़ोन आता है एक सदाबहार फ़ोन यानी कि Poco F1। तो इस फ़ोन का प्राइस भी आपको अंडर 15K देखने को मिल जाएगा और इस फ़ोन की डिस्प्ले की बात करते हैं 6.1 इंचज़ की देखने को मिलेगी, 6GB रैम एंड 128GB की रोम वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा, 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, स्नैपड्रैगन 845 का आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा, यानी कि प्रोसेसर में कुछ कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी, गेमिंग वगैरह बिल्कुल स्मूथ चलने वाली है, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिल जाएगी और क्विक चार्जिंग 3.0 का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। बट अगर मैं बताऊं मेरे को इधर कौन सा फ़ोन लेना होता तो मैं इधर लेता Redmi Note 8 Pro, क्योंकि मेरे को गेम का इतना कुछ चस्का है नहीं, मतलब है थोड़ी बहुत खेल लेता हूँ बट इतना कुछ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम सी देखने को मिल जाएगी। 19-20 का प्रोसेसर में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा इधर, क्योंकि G90T प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, बस थोड़ा सा नीचे रह जाता है स्नैपड्रैगन 845 से। मैं होता तो मैं इधर Redmi Note 8 Pro लेता फोन। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हमारा बजट आता है 20K का। तो इस प्राइस में रेंज में आपको सबसे अच्छा फ़ोन देखने को मिलेगा वो होगा Realme X2। तो इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरीके से है, 6.4 इंचेस की आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, काफ़ी सही डिस्प्ले है, 6GB 128GB रैम एंड रोम वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा इस प्राइस रेंज में, 730G का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जी मतलब गेमिंग, तो यानी कि आपको पता ही चल रहा है कि प्रोसेसर यहाँ पर स्पेसिफिक गेमिंग के लिए ही है, एक 730 प्रोसेसर है एक 730G प्रोसेसर, जी मतलब गेमिंग, तो यहाँ पे आपको गेमिंग काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है 730 के हिसाब से, 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, 30W की फोन आपकी चार्जिंग सपोर्ट करेगा। तो चलते हैं हम लिस्ट में आगे। तो हमारा नेक्स्ट लिस्ट की कैटेगरी आती है 30K की। तो इसमें आपको Realme X2 का ही प्रो वर्जन देखने को मिल जाएगा। तो उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन इस तरीके से है, 6.5 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 6GB 64GB रैम एंड रोम वेरिएंट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिल रहा है बिल्कुल किलर टॉप प्रोसेसर देखने को मिलेगा 855+, 4000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, 50W की फ़ोन आपकी चार्जिंग सपोर्ट करा और काफ़ी सही मतलब फास्ट चार्जिंग आपको मिलने वाली है फ़ोन के अंदर, 90Hz की डिस्प्ले देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको वेपर कूलिंग टेक्नोलॉजी यानी कि आपका फ़ोन इतना हीट वगैरह नहीं होगा।
तो ये फ़ोन आता है अंडर 30K की कैटेगरी में। अब चलते हैं बेस्ट फ़ोन पर, यानी कि अंडर 40K। तो इसके ऊपर के जो फ़ोन हो जाते हैं 40K के, उसमें तो आप कोई से भी ले लो, ऑलमोस्ट सेम ही फ़ोन देखने को मिल जाते हैं। बट लेकिन गेमिंग फ़ोन में अंडर 40K काफ़ी सही आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपका बजट ज़्यादा तो आप आईफोन भी ले सकते हो, ऐसी कोई मर्जी नहीं है, S10 वगैरह ले लो, सब फ़ोन ले लो, मतलब बजट ज़्यादा तो भाई कोई सा भी फ़ोन ले सकते हो आप। तो अब चलते हैं हमारे लिस्ट के टॉप फ़ोन पर, तो वो आता है हमारा ASUS ROG 2। तो इस फ़ोन में भाई आपको क्या ही बताऊँ, हर एक चीज़ मिल जाएगी जो आपको गेमिंग में चाहिए, हर एक चीज़, मतलब सब कुछ बेस्ट गेमिंग के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। आपकी डिस्प्ले पर मैं आपको दिखाई रहा हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बाकी भाई आपको अगर कोई लेना है 140K में गेमिंग फ़ोन, तो इस फ़ोन को आँख बंद करके ले लो, आपको बेस्ट फ़ोन देखने को, कैमरे वगैरह भी काफ़ी सही देखने को मिलेंगे, बाकी सब चीज़ें इसके अंदर अच्छी देखने को मिलती है। फिर मैं आपको स्पेसिफिकेशन कुछ बता देता हूँ। 6.5 इंचज़ की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 8GB रैम, 128GB की रोम मिल जाएगी, 855+ का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, 6000 mAh की मोटी बैटरी देखने को मिल जाएगी, काफ़ी सही चलने वाली है, जो कि 30W का चार्जिंग मिल जाएगी आपको इसके अंदर, और बाकी सब कुछ फुल आपको देखने को मिल रहा है, मतलब मैक्स चीज़ जो होती है फ़ोन की वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे कि मैं होता तो मैं कौन सा फ़ोन लेता, तो भाई जो टॉप पर फ़ोन आया मैं बिल्कुल वही फ़ोन ले लेता, ASUS ROG 2 फ़ोन। तो ये फ़ोन भाई बेस्ट फ़ोन होता, अगर मेरा इतना बजट होता तो मैं ये वाला फ़ोन आराम से ले लेता। बाकी हर कैटेगरी का मैंने आपको बता ही दिया, जो बेस्ट फ़ोन है आप उनको ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी आप कोई सा भी फ़ोन ले। तो दोस्तों आई होप आपको आई होगी वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जबरदस्त वाला एक लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर भी कर लो। मिलेंगे अगली वीडियो में और किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।